हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कुमार एंड टुडे टॉपिक इज इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट, ईमेल, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी एंड हाउ टू सेंड और कंपोज अ ईमेल मैसेज एंड हाउ टू स्टोर आवर ईमेल मैसेजेज। लेट सी व्हाट इज इंटरनेट। एज वी नो दैट इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क को मिला के जो एक बड़ा नेटवर्क बनता है उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पूरे दुनिया में मिला के जो छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ के जो कंप्यूटर बनता है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क जो बन रहा है कंप्यूटर को कनेक्ट करके, ऐसे नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। अब इंटरनेट जो है उससे नेटवर्क कनेक्ट क्यों होता है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स क्यों कनेक्ट होते हैं? तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज भी शेयरिंग के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हमको अपना मैसेज भेजना हो तो उसके लिए चैट करना हो, उसके लिए वीडियो भेजना हो या ऑनलाइन मैसेजेज पोस्ट करना है, या फिर हमको कोई चीज़ सेलिंग या बाई करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। दूसरा टॉपिक है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसा मेल जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्रेवल करे। तो ये ईमेल एक सिस्टम प्रोवाइड करता है या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर हम अपना मैसेज किसी दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं, यानी कि कोई भी सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक भेज सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एडवांटेजेज ऑफ ईमेल। यहाँ एडवांटेजेज ऑफ ईमेल जो है वो पुराने मेल जो मैसेज हम लोग भेजते थे संदेश लिख कर, उसके बाद उसको इन्वेलप में पैक करके, उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे, उनसे कंपेरिजन करके इनका एडवांटेजेज देखा जा रहा है। सबसे पहला एडवांटेजेज है फास्ट। यहाँ पर जो मैसेज है वो काफ़ी फास्टली डिलीवर होता है। जैसे ही हम मैसेज टाइप कर लेते हैं और सेंड पे क्लिक करते हैं, मैसेज विद इन अ सेकेंड्स रिसीवर तक डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेज, पहला एडवांटेज। दूसरा, कॉस्ट एंड इफ़िशियंट। कॉस्ट एफिशियंट का मतलब होता है कि अगर हम मैसेज सिंपल कोई लेटर टाइप करके उसको भेजना है तो उसके लिए हमको पेपर, पेन, पेंसिल ये सब चाहिए, उसके बाद उसको एनवेलप में पैक करो, उसके बाद उस पर टिकट चिपकाओ और उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करो। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग लग रहा है वो काफ़ी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नेट का यूज कर रहे हैं तो हमें मैसेज भेजना है तो सिंपली हम अपना गैजेट यूज करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि मैसेज जो हम लोग पोस्ट ऑफिस में भेजते थे तो उसके लिए हमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके ही हम लोग मैसेज पोस्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, ईमेल जब हमें भेजना होगा तो हम दुनिया के किसी कोने में भी रहें और हमारा मोबाइल अगर मेरे पास है और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम कहीं से भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। चौथा इसका बेनिफिट्स है, एडवांटेज है, रिसोर्स सेविंग। जैसा हम लोग जानते हैं कि पेपर, पेन, पेंसिल, एनवेलप, स्टाम्प ये सब जो लगता है पैसा, ये क्या होता है, ये रिसोर्सेज जो है हमारा बच जाता है। हम लोग सिंपली डिजिटल वे में सारा मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। जो हम लोग मैसेज भेजते हैं वो हमारे मेल बॉक्स में रहता है एक रिकॉर्ड के माध्यम से, कि कितने तारीख को कब हमने किसको क्या मैसेज भेजा है, एज अ रिकॉर्ड सेंडर के पास भी रहता है और रिसीवर के पास भी रहता है। इससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे हम देख सकते हैं कि हमने कब किसको क्या मैसेज भेजा है। दूसरा, रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब कि एक जो मैसेज है उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लेटर आया और उस लेटर को हम चाहते हैं कि किसी और को पोस्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ उसका नाम चेंज करके सेम लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक मेल को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल आईडी। अब कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल आईडी जानने से पहले ये हमें जानना होगा कि ईमेल आईडी क्या होता है। जब हम लोग मेल भेजते हैं तो उसके लिए हम के एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है इंटरनेट पे।
जैसे अगर हम किसी को लेटर भेजना हो बाय पोस्ट, तो उसके लिए उसका पता हमें चाहिए, वो उसका आइडेंटिटी को दिखाता है कि इस पते पर जाएगा। लेकिन जब हम मेल भेजते हैं तो मेल पे भी उसी तरह क्या चाहिए हमें, एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए उस पर्सन का जिसको हम लोग मेल भेज रहे हैं, और जो भेज रहा है उसका भी एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए। तो ये जो यूनिक आइडेंटिटी होता है इंटरनेट पे, दैट इज़ कॉल्ड ईमेल आईडी। और ये रिसीवर और सेंडर दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दिखाया गया है raman121@gmail.com। raman121 है, ये पहला पार्ट होता है कंपोनेंट्स का, दैट इज़ कॉल्ड यूजर नेम। और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है gmail.com, ये होस्ट वेबसाइट होते हैं जो स्पेस देते हैं हमें अपना ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए, इसको हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। और ये दोनों जिस पार्ट से जुड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट द रेट साइन। ये जो एट साइन दिख रहा है बीच में सिंबल, दैट इज़ कॉल्ड एट द रेट। इस सिंबल से ये यूजर नेम और डोमेन नेम जुड़े होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं यूजर नेम क्या होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज़ द यूजर नेम। जो पहला पार्ट ईमेल एड्रेस का होता है वो यूजर नेम होता है, जो कि यूनिक होता है। और ये हमारा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करता है, और हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा यूजर आईडी क्या होगा। हम का मतलब कि जो सेंडर हैं या रिसीवर हैं, जो अपना ईमेल आईडी बना रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे और वो आईडी पहले से अवेलेबल है कि नहीं है, यूजर नेम जो पहले से अवेलेबल है कि नहीं, ये हमें बताता है हमारा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बताता है कि वो नाम पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा सिंबल होता है ऐट का सिंबल, जो यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है, जो कि दोनों के बीच में होता है। तीसरा होता है डोमेन। द लास्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम। ये जो लास्ट पार्ट होता है, ये डोमेन नेम होता है, ये दिखाता है कि हम किस होस्ट वेबसाइट पे अपना मेल बना रहे हैं, जैसे कि गूगल, याहू। हम लोग जीमेल में बनाते हैं तो वो गूगल का होस्ट आईडी रहता है, अगर याहू में बना रहे हैं तो yahoo.com का होस्ट आईडी रहेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये तीन कंपोनेंट्स हैं ईमेल आईडी के। नेक्स्ट, स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल आईडी। हम लोग ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, किसी एक होस्ट को हम लेके यहाँ पर बता रहे हैं कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली सेलेक्ट एनी होस्ट वेबसाइट, कोई भी हम लोग होस्ट वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो, रेडिफ हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, किसी का भी हम लोग एक होस्ट वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग जीमेल ले रहे हैं तो gmail.com लिखेंगे, या याहू ले रहे हैं तो yahoo.com लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो फिगर में दिख रहा है इस तरह से, ये जीमेल का है, तो जीमेल पे जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन पर आएगा, और नीचे में देखिएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, एरो मार्क से दिखाया गया। इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा ये अकाउंट किसके लिए बना रहे हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए या खुद के लिए। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर माई सेल्फ। इसके बाद हम लोग ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन यहाँ दिख रहा है, इस नेक्स्ट ब्लू कलर का नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक फॉर्म हमारे सामने आएगा इस तरह से, इसमें जो हमारा पर्सनल डेटा है वो फिल करना रहता है। ये पर्सनल डेटा हम लोग फिल कर लेंगे, और याद रहे जब पर्सनल डेटा फिल करेंगे तो यहाँ यूजर नेम में जब हम लोग यूजर नाम डालेंगे तो ये यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। जब हम लोग यूजर नेम डाल के बाहर हटेंगे, और अगर वो पहले से अवेलेबल है तो वहाँ दिखा देगा इट्स नेम इज अवेलेबल। इसके बाद पासवर्ड हम लोग इंटर करेंगे। पासवर्ड के कुछ रूल्स हैं, पासवर्ड मस्ट कॉन्टेन वन अल्फ़ाबेट, वन स्पेशल कैरेक्टर एंड अ नंबर। एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर हम लोग को अपना मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा। जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर सबमिट करेंगे तो उस मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन 6 डिजिट का कोड आएगा। वो 6 डिजिट कोड हम लोग को क्या करना होगा, इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे ये आएगा। उस स्क्रीन पे कैप्चा कोड मांगेगा, वो कैप्चा कोड भी वहाँ लिखा हुआ रहेगा एक कोड, उसके नीचे
वो कोड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन आएगा, और इस वेलकम स्क्रीन पे क्या होगा, ये शो करता है कि हमारा ईमेल आईडी बन गया है। और जैसे ही क्लिक कंटिन्यू जहाँ लिखा हुआ है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा मेल बॉक्स खुल जाएगा। इस स्टेप से पहले एक कैप्चा कोड का ऑप्शन आता है। वो कैप्चा कोड होता क्या है? कैप्चा कोड एक तरह का रिस्पांस कोड होता है जो ये टेस्ट करता है कि जो ये रिस्पांस दिया जा रहा है ये ह्यूमन बींग के द्वारा है कि नहीं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ईमेल आईडी यहाँ क्रिएट हो गया। इस ईमेल आईडी क्रिएट होने के बाद हम लोग अपना ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना आप लोग जो आईडी है एक एक बार क्रिएट करके सब लोग अपने अपने मोबाइल पे देखेंगे, और जब आईडी क्रिएट हो जाएगा तो एक बार अपना आईडी हमें व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।